खबर आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। अमरोबाद में कलेक्ट्रेट पे विधानसभा 27 बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अखिल चौधरी को मिला सिंबल। मुरादाबाद के विधानसभा 27 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी द्वारा किया गया मीटिंग का आयोजन। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने विधायक प्रत्याशी के तौर पर देहात विधानसभा 27 से अखिल चौधरी को मैदान में उतारा है। सोमवार को अखिल चौधरी द्वारा अपने कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करते हुए चंद लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग इस उपलक्ष्य में रखी है कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में डोर टू डोर घूमकर क्षेत्र की सभी आवाम से अपील करें कि 14 फरवरी को भारी मतों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अखिल चौधरी को विजयी बनाएं। और उन्होंने क्षेत्र की जनता के समक्ष अपने कई जवाब भी दिए। मीटिंग में सालिम चौधरी, नौशाब अलबी, दीपक कुमार गौतम, इरशाद हुसैन, मोहसिन चौधरी, कौसर अली, गुलशन मान सिंह सागर, विपिन कुमार आदि उपस्थित रहे। जी, विधानसभा 27 बीएसपी से आपको मैदान में उतारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम अखिल चौधरी है, मैं विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं सभी क्षेत्र की आवाम से अपील करूँगा कि वो जो 14 फरवरी को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजय बनाए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के बीच का एक मामूली छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी, और मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ और मेरा जो है आप लोग सब भली भांति वाकिफ हैं कि जो जनता के बीच का होता है वो जनता की आवाज़ उठाता है। आज का मीटिंग का क्या उपलक्ष्य है? आज की मीटिंग का उपलक्ष्य ये है कि बस आज जो हमारे जो विधानसभा 27 के जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनको सब लोगों को जिम्मेदारी के लिए सबको इकट्ठा किया गया है कि भाई ऐसा है कि अपने क्षेत्र में जो है सब जगह फैल जाइए और जो है लोगों के डोर टू डोर जाकर और लोगों से अपील करो और वोट की अपील करिए और जो है भारी मतों से विजय बनाने की अपील है कि वो ये देख ले मैं कि कौन जीत रहा है, क्योंकि समाजवादी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि मैं खास करके अपने मुस्लिम समाज से ये अपील करूँगा कि समाजवादी के जो वोट पर दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो उनके बहकावे में ना आ जाए, क्योंकि अगर उनके बहकावे में आ गए तो फिर उनका वोट बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी जो है सभी समाज की पार्टी है, ये हर समाज को साथ लेकर चलने वाली है और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का इसका नारा है। और जब जब बहन जी की सरकार रही है कानून का राज रहा है, संविधान का राज रहा है। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि वो लोग भाई तुम्हें बड़े बड़े लालच और लोभन देंगे, लेकिन वो लोग कहाँ से निकल कर आए हैं ये भी देख लीजिए, कोई एक्सपोर्टर है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, लेकिन मैं आप लोगों के बीच का हूँ, आप लोगों के बीच का हूँ, आम आदमी हूँ। जब आप के लोग बीच का आम आदमी जो विधानसभा में पहुँचेगा तो आप लोगों की बात को उठाएगा और आप लोगों की बात के लिए संघर्ष करेगा। मैं आप सभी क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा कि भाई आपने बीच के अपने भाई को विधानसभा में भेजने का काम करें, क्योंकि मैं एक मामूली सा आप लोगों के बीच का कार्यकर्ता हूं और आप लोगों के लिए हर वक्त आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम करूंगा। अगर मेरी किसी को ज़रूरत कहीं पड़ेगी तो मुझे फ़ोन करने की एक बस सिर्फ एक रिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों के सबके जो भी अगर रात रात को 12 बजे भी कोई फोन कर रहा था मैं उसके घर पर एक सेवक की तरह खड़ा तैयार मिलूंगा। मैं इस क्षेत्र में एक सेवक की तरह काम करूंगा, अपने क्षेत्र की जनता के लिए रात दिन संघर्ष करने का काम करूंगा और क्षेत्र में चौमुखी विकास कराने का काम करूंगा। जो आज इस क्षेत्र के अंदर रोडों की खस्ता हाल जो हाल जर्जर रोड जो हो रहे हैं, इन रोडों को पूरी तरीके से काम कराने का काम करूंगा और
इस क्षेत्र में विकास कराने का काम करूंगा और खास करके शिक्षा पर पूरा जोर दूंगा। अगर हमारे क्षेत्र में के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, गरीब का बच्चा मजदूर का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, तो वो इस देश का भविष्य बनेगा।